क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंजीयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। मध्य प्रदेश और बिंद की यदि बात की जाए तो स्वास्थ्य सुविधा बदहाल हो चुकी है और यह हम नहीं कही, यह मध्य प्रदेश और बिंद के जो जिला चिकित्सालय है उनकर व्यवस्था कहाँ थी, व्यवस्था इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि आम व्यक्ति व अंतिम शक्ति के व्यक्ति मूलभूत और बुनियादी सुविधा खीते आज दर दर भटक रहा है। वो दर दर कहे न भटके, कहे कि अब हालात यह हो गया है कि सरकार यदि कुछ देती हुई तो वह निरंकुश प्रशासन से काबती और निरंकुश प्रशासन ऐसा यह में एक बदहाल रवैया है कि वह केवल और केवल अपने व्यवस्थान में उतारू रहा है। वो का जनता के हित से और उनके अहित से कोनो फर्क नहीं पड़े, कहे कि अपना दिन ब दिन यदि आज हम चर्चा करी लागे सीधी जिला चिकित्सालय के और दिन ब दिन सीधी जिला चिकित्सालय बिल्कुल गर्त में जा रहा है और गर्त में जाए के चलते आज लोगन के और गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। कब के कर जिंदगी चली जाए या कोनो भरोसा नहीं है, यह सीधी के हालात है। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री के गृह जिला के यह में दर्दना काले, तो अपना कल्पना करी कि अन्य जिला जो मंत्री मिनिस्टर वहाँ नहीं आई वहाँ के, तो वहाँ की का हाल हो ही। जब एक जिम्मेदार और बड़े मंत्रालय के मंत्री के गृह जिला के यह में दुर्दशा है, तो अपना कल्पना करी कि अन्य जिला के जिला चिकित्सालय कौन में बेहतर हो ही। सरकार लगातार दावा जरूर करती कि हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराऊ, किंतु हालात देखिए, हालात जो आज मुद्दा लेके आए हैं कि दुर्दशा सीधी जिला चिकित्सालय ठेला मा। जी हाँ ठीक सुनें कि दुर्दशा सीधी जिला चिकित्सालय ठेला मा। अबे अपना कुछ दिन पहले बीते हफ्ता भर पहले एक खबर सुने रहे हो कि एक गरीब परिवार आदिवासी परिवार के 100 का 100 वाहन नसीब नहीं बा, जोड़े का लेके पूरा यहाँ से लेके पूरे मध्य प्रदेश तक के मीडिया के द्वारा सीधी के नाम में थू की गए और कहे कहे कि सब अंतिम यात्रा में वह कहा थे कि मरे माता दुश्मनों एक वे पचीज जात है, किंतु सीधी जैसा घटिया प्रशासनिक व्यवस्था सीधी के जिला चिकित्सालय के घटिया प्रबंधन के चलते वह गरीब आदिवासी परिवार का वो के 100 का 100 वाहन तक नसीब नहीं था। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कितने शर्मनाक बात है। वह बीत नहीं कि आज एक बड़ी खबर आई, बड़ी खबर माँ कि प्रसूता महिला ओ का जननी जोड़े का कहा थे जननी सुरक्षा वाहन, जननी मतलब माँ और माँ का प्रसव हेत मतलब यदि महिला से गर्भवती होती ओके पेट में दर्द होता है तो जननी सुरक्षा का फोन खींच जाते है, वह जननी सुरक्षा महिला का ले आए कि जिला चिकित्सालय में भर्ती करावती, यह जननी सुरक्षा के पूर्व काम आए, किंतु सीधी के कुप्रबंधन के चलते वह महिला ठेला से जिला चिकित्सालय पहुंची और देखी कहा थे ना जाको राखे सैया मार सके न कोई, तो वह महिला के जो पुत्र पैदा भा वह जिला चिकित्सालय के द्वार में वह पुत्र ठेला से उतार के जब वार्ड के ओर ले जा लागे तो वह पुत्र पैदा भा। अब सोची अपना कि ओकर बच्चा की जिंदगी रही नहीं, तो यह तो सिस्टम ओका माता रे रहा, जब जननी सुरक्षा नहीं पहुंची रही तो अब यह सोची कि गैर प्रबंधन तरीके से यदि गर्भवती महिला के प्रसव करावा जात तो वह बच्चा की जिंदगी कितने दिन सुरक्षित हो, ये अपनों जानी थे हमहू जानी थे, किंतु वो ऊपर वाले के सहारे आज सीधी के जनता के स्वास्थ्य टिका है। कहे कि यहाँ विधायक है, सांसद है, 4-4 विधायक एक सांसद एक मंत्री जो वरिष्ठ मंत्री जो बड़े मंत्रालय के प्रभार है उसके लिए, किंतु सीधी जिला आज बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा खीतिर मर रहा है, तड़प रहा है कि कौ आवे और यह सीधी के दुर्दशा से ओका निकारे। कहे कि गरीब सीधी के दी अपना वस्तु स्थिति देखब तो यह ज्यादातर यहाँ गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और उनका बेहतर स्वास्थ्य खीतिर जिला चिकित्सालय में भरोसा है, किंतु हम तो मानी थे कि यदि डॉक्टर की कमी है ठीक है चला थी, किंतु वह डॉक्टर की कमी के बाद का हम वो गरीब आदिवासी लोगन का बुनियादी जरूरती सुविधा दे पाई थे नहीं दे पाई, और या प्रशासन की कमी है या प्रबंधन की कमी है सरकार की कमी है, ऐसे आज यह मुद्दा अब गंभीर हो गया है और जनता एमा एकजुट हो और जनता जब एकजुट हो के सरकन में उतरी तो निश्चित तौर पर सरकारों जो आज गूगी बहरी हो चुकी हैं उन्हों का सुने का परी और समझे का परी कि बुनियादी जरूरत
का वोट ले तक सीमित थी। वोट ले यही लोग नेता मंत्री सब आवत थे, वोट ले यही तो कही कि हम अपना का हर सुविधा उपलब्ध करा दे। किंतु हालात यह है कि आज बुनियादी जरूरत के सुविधा खितिर घुट घुट मर रहा है सीधी जिला, और केवल सोफा और कुर्सी में बैठ के बड़े बड़े विधायक सांसद मंत्री ऐस कह रहे हैं। उनका सीधी के स्वास्थ्य व्यवस्था से कौनो तालुकात नहीं आए। यह दिन दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दर्दनाक है। देखी रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। मरीज के का नाम है? सुवास्ती। सुवास्ती कौन मोहल्ला से? डनिया से। आशा कार्यकर्ता के नाम मालूम है उनका? अब हम न जानो साहब, देखे है तुम्हें बताए। अपना ही अपने मरीज के कहाँ से लेके आए हैं? ठेलिया से। कहाँ से ले आए हैं? जिला अस्पताल तक। अपना का नाम है? सविता साथ है। जो आई ही तो अपना के लगाई? बिटिया लाग, भतीजी। भतीजी लगा जी। तो अपना आशा कार्यकर्ता बोला भी नहीं गए रहन? हम घरे गए रहे। का कहीं आशा कार्यकर्ता कहीं के बम आज ना जब काल के सवेरे हो अस्पताल नहीं आई तो अपना के गए रहे। हाँ, तो अपना फिर यहाँ कहाँ से ले आए हैं? इनका हम ले आना ठेलिया से। कहाँ से ले आए हैं? सर जी, सीधी जिले में जिला चिकित्सालय ठेले पर हो गया है। कुछ दिनों पहले एक घटना आई थी कि ठेले में शव को भेजा गया था, और अभी कल एक घटना हुई है कि प्रसूता को ठेले से लाया गया और उसका वार्ड में पहुंचने से पहले ही उसका गर्भ हो गया। तो मतलब क्या कहेंगे, ऐसे मामले आ रहे हैं? इस तरह के संवेदनशील जो मामले हैं इनको जो है सिविल सर्जन और CMHO को देखना चाहिए। और ये दुर्भाग्यजनक है कि सेवाएं उपलब्ध होने के उपरांत भी अगर सेवा मुहैया नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए जो है जो भी दोषी है और जिन्होंने भी इस मानवीय अमानवीय कृत्य किया है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ये पुनरावृत्ति ना हो इसका प्रयास किया जाएगा।